प्यारे बच्चों, मैं ज्योति एसडीएस विद्यापीठ से आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा पांचवी क्लास में सामाजिक विज्ञान अध्याय 16 संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली, संयुक्त का अर्थ होता है कई देशों का सम्मिलित रूप। कई देशों का सम्मिलित रूप संयुक्त राष्ट्र संघ, एक साथ संघ में एक साथ, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली, कई देशों का सम्मिलित जो रूप है इसका कार्यप्रणाली क्या है, आज इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, जिसे आइए हम लोग जानते हैं। पहला है सुरक्षा परिषद, पहला है सुरक्षा परिषद, दूसरा है महासभा, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है न्याय अथवा संरक्षण परिषद, पांचवा है अंतरराष्ट्रीय परिषद, छठा है सचिवालय। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्थाएं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख संस्थाएं हैं इनके बारे में आज हम लोग जानते हैं। पहला है विश्व स्वास्थ्य संगठन, पहला है विश्व स्वास्थ्य संगठन, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आकस्मिक बाल निधि, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आकस्मिक बाल निधि, तीसरा है संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान और संस्कृत संगठन, चौथा है खाद्य एवं कृषि, चौथा क्या है खाद्य एवं कृषि, संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियां। अब एक एक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं विश्व के अधिकतर स्वतंत्र राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। विश्व के ज्यादातर स्वतंत्र राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, इसी कारण इसे विश्व संस्था भी कहा जाता है। विश्व में अधिकतर राष्ट्र जो है वो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। अधिकतर जो राज्य है वो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य है, इसी कारण इसे विश्व संस्था भी कहा जाता है। इसी कारण ही इसे विश्व संस्था भी कहा जाता है। अपने उद्देश्यों को कार्य रूप देने के लिए इसका प्रधान कार्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अपने उद्देश्यों को कार्य रूप देने के लिए इसका जो प्रधान कार्यालय है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के जो अंग हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा, राष्ट्र में सुरक्षा जो होता है, राष्ट्र के संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद को सबसे अधिक शक्ति प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में सबसे अधिक शक्ति प्राप्त है। सुरक्षा परिषद का कार्य विश्व में शांति तथा सुरक्षा बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद का कार्य है विश्व में शांति तथा सुरक्षा बनाए रखना। विश्व में शांति तथा सुरक्षा बनाए रखना। इसके 15 सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य हैं, उनमें से 5 अस्थाई सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीन है। इसमें से 5 अस्थाई संयुक्त सदस्य जो सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीन है। अन्य सदस्यों को महासभा के सदस्यों के द्वारा 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। अन्य 10 सदस्यों को जो है वो महासभा के सदस्यों द्वारा 10 वर्ष के लिए द्वारा 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। भारत को भी कई बार सुरक्षा परिषद का सदस्य चुना गया। सुरक्षा परिषद आक्रमण की शिकायतों को सुनकर आक्रमण करने वाले राष्ट्रों को युद्ध बंदी के लिए कहती है। जो सुरक्षा परिषद है वो आक्रमण की शिकायतों को सुनकर आक्रमण करने वाले राष्ट्रों को युद्ध बंदी के लिए कहती है। यदि युद्ध बंद नहीं होता है तो सुरक्षा परिषद उसे रोकने के लिए, अगर युद्ध बंद नहीं होता है तो जो
सुरक्षा परिषद है उसे रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को भेज सकती है। अगर युद्ध शांत नहीं होता है, रुकता नहीं है, तो संयुक्त राष्ट्र जो है यह सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को भेज सकती है। यह युद्ध करने वाले राष्ट्र पर आर्थिक प्रबंध लगा सकती है। यह युद्ध करने वाले लोगों राष्ट्रों पर आर्थिक प्रबंध लगा सकती है। अब इसके 15 में से 9 सदस्य सहमत हो तो यह भी कार्यवाही कर सकती है। 15 में से 9 सदस्य अगर सहमत हो तो कार्यवाही कर सकते हैं। इन 9 सदस्यों में पांचों अस्थायी सदस्यों का होना आवश्यक है। इन 9 सदस्यों में जो है पांचों सदस्यों का अस्थायी सदस्य को होना आवश्यक है। यदि अस्थायी सदस्यों में से एक भी सदस्य सहमत न हो तो कार्रवाई नहीं की जा सकती है। यदि 5 सदस्यों में से एक भी सदस्य सहमत न हो तो कार्रवाई नहीं की जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई 6 भाषाओं में होती है। संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई जो होती है वो 6 भाषाओं में होती है। इन भाषाओं में से किसी भी भाषा में दिए गए भाषा का अन्य 5 भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। इन भाषाओं में से किसी भी भाषा में दिए गए भाषण अन्य 5 भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। एक भाषा में भाषण दिया जाता है और 5 भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। अब दूसरा देखते हैं महासभा। महासभा संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्रों से मिलकर महासभा बनती है। महासभा जो है संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों राष्ट्रों से मिलकर महासभा बनती है। सुरक्षा परिषद के बाद महासभा को सबसे अधिक शक्ति प्राप्त है। इसका अधिवेशन संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क में स्थित प्रधान कार्यालय में प्रत्येक वर्ष सितंबर में होता है। आपातकाल में भी महासभा की बैठक जो है वो बुलाई जाती है। महासभा विश्व शांति और इसके अन्य उद्देश्यों को प्रभावित करने वाली समस्याओं पर विचार करती है। महासभा जो है विश्व शांति और इनके अन्य उद्देश्यों को प्रभावित करने वाली समस्याओं पर विचार करती है। सभी निर्णय मतदान द्वारा लिए जाते हैं। जितने भी निर्णय लिए जाते हैं सभी मतदान का अर्थ होता है वोट द्वारा निर्णय लिया जाता है। महासभा में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का एक मत होता है। महत्वपूर्ण विशेष पर प्रस्ताव पास करने के लिए 2/3 बहुमत आवश्यक है। महत्वपूर्ण विषयों पर प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए 2/3 बहुमत जो है वो आवश्यक है। साधारण प्रश्नों पर निर्णय बहुमत से किए जाते हैं। कुछ ही मामलों में महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश कर सकती है। अनेक बार महासभा को सुरक्षा परिषद द्वारा छांटे गए सदस्यों में ही चुनना होता है। अनेक बार महासभा को सुरक्षा परिषद द्वारा छांटे गए सदस्यों में ही चुनना होता है। प्रतिवर्ष महासभा अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है। सन 1953 में भारत की श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित को महासभा का अध्यक्ष चुना गया। अब तीसरा देखते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद। इस परिषद का कार्य जीवन स्तर में सुधार तथा मानव अधिकारों की रक्षा करना है। इसमें 27 सदस्य होते हैं। महासभा में जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसका कार्य अनेक संस्थाओं अथवा एजेंसियों द्वारा होता है।
जो इनका कार्य होता है, ये संस्थाओं अथवा एजेंसियों द्वारा होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ऐसी ही एक एजेंसी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन एक ऐसी ही एक एजेंसी है। अब चौथा देखते हैं, न्याय अथवा संरक्षण परिषद। न्याय अथवा संरक्षण परिषद, इस परिषद का कार्य संरक्षित प्रदेशों का निरीक्षण करना होता है। इस परिषद का कार्य जो है वह संरक्षित प्रदेशों का निरीक्षण करना होता है। संरक्षित प्रदेश वे पराधीन प्रदेश हैं जिनका शासन दूसरे देशों द्वारा किया जाता है। संरक्षित प्रदेश वे प्रदेश हैं, पराधीन प्रदेश हैं, जिनका शासन दूसरे देशों द्वारा किया जाता है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य तथा संरक्षित प्रदेशों का शासन करने वाले देश संरक्षण परिषद के सदस्य होते हैं। अब देखते हैं पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय परिषद। अंतर्राष्ट्रीय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद वह न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों विवादों को निपटाता है। इस न्यायालय का स्थानीय कार्यालय हेग नीदरलैंड में है। वह अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार झगड़ों का निर्णय करता है। इस न्यायालय में महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा चुने गए 15 जज होते हैं। इस न्यायालय में महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा चुने गए 15 जज होते हैं। प्रत्येक जज 9 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। जो 15 जज होते हैं उनमें से 15 जज प्रत्येक जज 9 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। अब छठवां देखते हैं, सचिवालय। वह संयुक्त राष्ट्र का प्रशासकीय विभाग है। सचिवालय यह संयुक्त राष्ट्र का प्रशासकीय विभाग है। इस विभाग का मुख्य कार्य अन्य प्रमुख अंगों के निर्णय को कार्य रूप प्रदान करता है। जो अन्य प्रमुख अंग है इसके प्रमुख अंगों को निर्णय के कार्य रूप प्रदान करता है। यह विभाग न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रधान कार्यालय में स्थित है। इसके सबसे बड़े अधिकारी को महासचिव कहा जाता है। इसका चुनाव सुरक्षा परिषद द्वारा संतुष्ट सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से महासभा द्वारा होता है। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्थाएं। संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्थाएं, पहला है संयुक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO भी कहते हैं, WHO का अर्थ होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य कार्यालय जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्य कार्यालय है वो जिनेवा में। इसका कार्य लोगों को स्वास्थ्य रक्षा के उपायों को जानकारी देना और टीके लगाकर उन महामारियों से बचाना। इस संगठन ने समस्त पृथ्वी से चेचक को समाप्त करने में सहायता की है। यह उन घातक रोगों के विरुद्ध अभियान चलाती है जिनसे सारे विश्व में प्रतिवर्ष लाखों लोग मृत्यु का शिकार होते हैं। यह निर्धन राष्ट्रों को दवाइयां भेजती है तथा कार्यकर्ताओं को उनका प्रयोग सिखाती है। इस संगठन का एक नारा है सबके लिए स्वास्थ्य। अब दूसरा देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आकस्मिक बाल निधि। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आकस्मिक बाल निधि जिसे यूनिसेफ भी कहते हैं, यूनिसेफ का प्रमुख कार्य सारे विश्व के गरीब तथा बीमार बच्चे और उनकी माताओं की सहायता करना है। यूनिसेफ का जो प्रमुख कार्य है वो सारे विश्व के गरीब तथा बीमार बच्चों एवं उनकी माताओं की सहायता करना है। यह उन्हें भोजन दवाई तथा रोगों से बचाव की
बचाव में सहायता करता है। उन्हें भोजन, दवाई तथा रोगों से बचाव करने में सहायता करता है। इसके लिए धन सरकार तथा जनता द्वारा दिए गए ऐच्छिक दान से संचय किया जाता है। धन इकट्ठा करने के लिए प्रत्येक वर्ष यूनिसेफ द्वारा बधाई पत्र भी भेजे जाते हैं। धन इकट्ठा करने के लिए प्रत्येक वर्ष यूनिसेफ द्वारा बधाई पत्र भी भेजे जाते हैं। यूनिसेफ बच्चों के मन और शरीर के अधिक अच्छे स्वास्थ्य और विकास के लिए सदस्य देश की सहायता करता है। भारत में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन के द्वारा बच्चे के विकास करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए। आंगनबाड़ी एक ऐसा ही कार्यक्रम है। जैसे आंगनबाड़ी के बारे में आप लोग जानते होंगे, आंगनबाड़ी में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, साथ साथ पढ़ते हैं, काम करते हैं, खेलते हैं। माताओं की भी, बच्चे और उनके स्वास्थ्य की भी देखभाल बताया जाता है। उन्हें संतुलित आहार तथा उससे होने वाले लाभों की जानकारी भी दी जाती है। अब तीसरा देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान और संस्कृति संगठन। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान और संस्कृति संगठन, इसे यूनेस्को भी कहते हैं। यूनेस्को का मुख्य कार्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्य जो कार्यालय है वो पेरिस में है। यह करोड़ों छोटे बड़े स्त्री पुरुषों को शिक्षा देने में सहायता करता है। विशेषज्ञ नए विज्ञान और तकनीक को उन क्षेत्रों में सिखाने के लिए सरल विधियां विकसित करते हैं जहां प्रयोगशालाएं नहीं है। संस्कृत के क्षेत्र में यह प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए सलाह तथा प्रशिक्षण देता है। यह अन्य देशों को यात्रा करके उसकी संस्कृति को सिखाने तथा सहयोग करने में लोगों की सहायता करता है। अब चौथा है खाद्य एवं कृषि, जिसे एफएओ भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्यालय रोम में है। खाद्य एवं कृषि, इसका जो मुख्य कार्यालय है वो रोम में है। यह समस्त विषय में भोजन की आपूर्ति करने का प्रयास करता है। इसके विशेषज्ञ सभी की विधियों को सुधारने, अच्छे रासायनिक खाद्य प्रयोग करने और जंतुओं तथा पौधों के रोगों को दूर करने में विभिन्न देशों की सहायता करते हैं। भारत के श्री बी आर सेने एक बार इसके अध्यक्ष चुने गए थे। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियां। संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसकी संस्थाओं की सहायता से विभिन्न देश अशिक्षा, रोग तथा गरीबी को मिटाने में परस्पर सहयोग कर रहे हैं। इसने तृतीय विश्व युद्ध को रोका है। संयुक्त राष्ट्र परमाणु तथा अन्य विनाशक शस्त्रों के उपयोग और प्रसार को भी रोकने का प्रयास करता है। इस संघ के पास न तो पर्याप्त धन तथा न ही अपनी सेना है। इसके बावजूद भी यह जीवन स्तर को उन्नत करने और आपसी समझ के विकास करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बढ़ाने में सफल हुआ। प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य प्रणाली। आइए इसे एक बार दोहराते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अंग है वो 6 हैं। सुरक्षा परिषद पहला है, सुरक्षा परिषद दूसरा है, महासभा तीसरा है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद चौथा है, न्याय अथवा संरक्षण परिषद पांचवा है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद छठवां है, सचिवालय। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्थाएं। पहला है विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO कहते हैं। दूसरा है
संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय आकस्मिक बालिधि जिसे यूनिसेफ भी कहते हैं, इंग्लिश में यूनिसेफ भी कहते हैं। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान और संस्कृति संगठन जिसे यूनेस्को भी कहते हैं। चौथा है खाद्य एवं कृषि, चौथा है खाद्य एवं कृषि FAO जिसे FAO कहते हैं। प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।